नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनी कुमार, एसएस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गर्मियों की बहुत ही फेवरेट डिश, वो है शिकंजी। तो चलो दोस्तों, शिकंजी कैसे बनाते हैं मैं आपको इस वीडियो में। पहले मैंने यहाँ पे बर्फ़ ली हुई है और दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने एक गिलास लिया हुआ है, इसमें डालकर हम पियेंगे शिकंजी को। और मैंने यहाँ पे जीरा लिया हुआ है साबुत, और मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की कटोरी चीनी ली हुई है, और यहाँ पे सफ़ेद नमक है, स्वाद के अनुसार ही डालना है आपको, ज़्यादा डालना नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नींबू का रस लिया हुआ है, और मैंने साथ में ली हुई है काली मिर्च, और यहाँ पे लिया हुआ है मैंने चाट मसाला, और यहाँ पे मैंने एक सोडे की बोतल ली हुई है, ये 20 रुपये की आती है, हर दुकान पर मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है उसी दुकान पर। और यहाँ पर मैंने काला नमक लिया हुआ है। तो चलो दोस्तों, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम हेलो दोस्तों गैस की तरफ आ चुके हैं, हम गैस को कर लेंगे ऑन, और इस पर रख दिया है हमने तवा। हेलो दोस्तों, तवा गर्म हो चुका है, अब डाल देंगे इस पर जीरा भूनने के लिए, और साथ में इस पर डाल देंगे धनिया, और साथ में ही डाल देंगे इसमें काली मिर्च, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। हेलो दोस्तों, हमारा जीरा भून के तैयार है, गैस को कर देंगे बंद, और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भून के एक कटोरी में निकाल लिया है, इसे अब ग्राइंडर जाल में पीस लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें मैं डाल दूंगा और इसे अच्छी तरह से पीस लूँगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, इसे अब फिर से दोबारा से कटोरी में निकाल लूँगा। हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कांच का गिलास लिया हुआ है, इसमें मैं डालूंगा चाट मसाला आधा चम्मच, थोड़ा सा डालूंगा इसमें सफ़ेद नमक, और साथ में डाल देंगे इसमें काला नमक, आधा चम्मच काला नमक डालेंगे इसमें सोडा वाला, और साथ में इसमें डाल देंगे नींबू का रस, और साथ में इसमें डाल देंगे एक चम्मच चीनी के दाने, और साथ में इसमें डाल देंगे बर्फ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे बारीक कूट लिया है अच्छी तरह से। और इसमें आधा चम्मच डाल देंगे जो हमने मसाला बनाया था, साथ में इसमें डाल देंगे सोडा। और दोस्तों इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी शिकंजी बनकर तैयार है, घर वालों के साथ में सर्व करें, और ये पीने बहुत ही टेस्टी है, मैं आपको टेस्ट बताऊंगा पीकर।